एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन की जो प्रश्नावली 3.3 है ना, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने का सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, है ना। बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा और फार्मूले याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। सबसे बेस्ट तरीका फार्मूला याद करने का ये होगा कि आप सारे फार्मूले को कॉपी में लिख लिख के याद करें और चार्ट बना के आपके दीवारों पर चिपका दें। ये फार्मूले क्लास 12th में भी आपको हेल्प करेंगे और बड़ी क्लासों में भी आपको हेल्प करेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ोगे तो कल नहीं लगेगा, हमेशा याद रखेगा। ये जितने भी फार्मूले हैं, ठीक है, इन सब फॉर्मूले को मैं पहले भी बता चुका हूँ। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होता है। ऐसे लिख लिख के आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये जितने भी फार्मूले हैं, जो भी मैं टिक कर रहा हूँ, बच्चों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इनको आप कॉपी में लिख लिख के याद करो। लिख लिख के याद करना पड़ेगा और हो सकेगा तो मैं पूरे चैप्टर का जो एक फार्मूले का जो ट्रिक एंड टेबल है ना, एक ही वीडियो में आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी हैं, ठीक है, 20 हो गए, ठीक है, और भी इधर है, देखो ये सारे फार्मूले हैं, सारे टोटल जितने भी फार्मूले आप कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। इतना काम आपको खुद करना है। और इसके जितने भी उदाहरण है ना, उदाहरण तो सारे सरल हैं। मैं प्रश्नावली पहले करा रहा हूँ, प्रश्नावली आप देखिए, सीखिए। प्रश्नावली करने के बाद इसका जो उदाहरण है, सारे आपको खुद से करने होगा उदाहरण, ठीक है। उदाहरण करने बहुत ज़रूरी है, उदाहरण तो इम्पोर्टेंट है ही है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं ना। प्लीज़ गाइस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिना फार्मूला याद किए आप क्वेश्चंस को हिला तक नहीं पाएंगे, ये पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छे से बोलूँ, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 3.3 का पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस के टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1/2 लाना है, माइनस के 1/2 लाना है ना, यही तो लाना है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है ये सारे वैल्यू रेडियन में है। आपको पता है 0 रेडियन 0 ही होता है, और 30 का क्या होता है पाई बाई 6, 45 का क्या होता है पाई बाई 4, 60 का क्या होता है पाई बाई 3 एंड 90 का क्या होता है पाई बाई 2, ठीक है। सो देखो ये वैल्यू हमें निकालनी है पहले वाली, ठीक है। साइन पाई बाई 6 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 6 है ना, पाई बाई 6 का मतलब क्या, देखिए 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, एलसीएम 4 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4 1 1, 4 एकम 4 है ना, तो 2 माइनस 4/4 माइनस के 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया माइनस के 1/2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया, है ना। अब आएंगे सेकंड वाले प्रश्न में, इन प्रश्नों को करेंगे, इसको हल करके क्या लाना, 3π/2। गाइस अगर थोड़ी सी पीछे से नॉइज़ आए तो उसको एडजस्ट करो, क्योंकि एसी मैंने सबसे लो में चला रखी है एंड बहुत गर्मी है। अगर मैं इसे ना चलाऊँ ना तो मैं आपको बिल्कुल पढ़ा नहीं सकता, भीग जा रहा हूँ एकदम, तो आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अगर ऐसे एंगल्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे एंगल आ जाएंगे ना तो इनकी रेंज के अकॉर्डिंग, रेंज के बारे में बता रखा है मैंने, इनके रेंज के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है और फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, लगा दिया 2, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 बोले तो 30, ये देखो पाई बाई 6 बोले तो 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर। यहाँ देखो
क्या है, कॉस कॉसेक स्क्वायर 7π/6। 7π/6 यहाँ पर पता ही नहीं है हमें, तो तोड़ना पड़ेगा। 7π/6 को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ ना मैं, और कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं हुई, हुई क्या, नहीं हुई। अब देखिए, कॉसेक पाई प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है माइनस के कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है ऊपर, जब हम स्क्वायर लगाएंगे यहाँ तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई सिक्स स्क्वायर खोलना था, सो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स हो जाएगा, और यहाँ तो 1/2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 कॉसेक पाई बाई सिक्स बोले तो 30। कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, टेबल यादों का, और 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, 1 का वर्ग 1, 4, तो 2 1 2 2 4 यहाँ से 1/2 कट गए, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, लॉस ऊपर लेके हल कर दो, और तो ये आ गया 3/2। ठीक है, यही आपको लाना था, आया गया राइट हैंड साइड के बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आज आप फिर से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं, सारे एक जैसे ही हैं। क्या यहाँ पर कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स कॉसिक 5π/6, देखो ये आएगा, इसको बदलना पड़ेगा, 3 tan² π/6, और इसको हल करके कितना लाना है, 6 लाना है, इसको हल करके कितना लाना है, 6 लाना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये और ये तो चलो ठीक है, बट इसको बदलना पड़ेगा, है ना, इस वाले को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है, कॉट 30। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, कॉट 30 स्क्वायर दो स्क्वायर। अब इसको देखो, 5π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अब सोचने का तरीका क्या है ना, इसको आप फिक्स कर लो, ऐसे एंगल को फिक्स कर लेना है जो आपको पता है, और देखो किस में से घटाना है आपको, हमेशा जीरो इधर पाई बाई टू, पाई 3π/2 और 2π, इनमें से ही आपको, इसमें से आपको जोड़ना है या घटाना होगा, इनमें से आपको जोड़ना या घटाना होगा, और फिर देखो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, 3 tan π/6 का मतलब 30 स्क्वायर। ठीक है, 6π/6π घटाएंगे, 5π आ जाएगा, हो रहा है। अब आपको फॉर्मूला बताएं, देखो कॉसेक पाई है ना माइनस थीटा, कॉसेक पाई में से कुछ भी घटाओगे सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में कॉस की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू प्लस में होती है, ये सब सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में 3.2 में। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पाई में से कुछ घटाओगे तो सेकंड में आएगा, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, तो कॉसेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और यहाँ थीटा की जगह क्या है, पाई बाई सिक्स। तो देखो कॉट 30 का मान कितना होता है, √3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, कॉसेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पाई बाई सिक्स, 3 tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, कॉसेक पाई बाई सिक्स का मान होता है 2, पाई बाई सिक्स बोले तो कितना, 30, कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, और 3 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3, तो यहाँ से आएगा 3 2 5 और 1 6 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, 6 ही तो लाना था हमें, ला चुके 6 हम। अब आ जाओ चौथे वाले क्वेश्चन में, ये चारों क्वेश्चन हमारे एक जैसे थे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें प्लीज़ गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू साइन स्क्वायर, देखो 3π/4, इसको चेंज करना पड़ेगा है ना, प्लस 2 cos² π/4, ये तो सिंपल ही है। फिर है 2 sec² π/3, ये भी सिंपल है, इसको सॉल्व करके लाना है 10, इसको सॉल्व करके कितना लाना है 10 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पाई बाई फोर मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है, इसको फिक्स कर लो, जो 0, π/2, π/4, π/3 और π/6 में ही तोड़ना फोड़ना होता है, ठीक है। तो देखो साइन, ठीक है, पाई बाई फोर है ना, तो पाई में से देखो 4π में से π घटेगा तो 3π आएगा है ना, तो यहाँ से π - π/4, इसको जब सरल करोगे तो ये आ जाएगा, 4π में से π घटाओगे 3π/4 बचेगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर लगा दिया, 2 cos π/4 का मतलब क्या, 45 स्क्वायर, 2 sec π/3 का मतलब 60 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो। और आपको पता है यहाँ पाई होता है ना, पाई में से आप कुछ भी घटाओगे तो घट के सेकेंड में आएगा, ठीक है, सेकेंड में आएगा, तो सेकेंड में साइन का मान और कॉसेक का मान प्लस में होता है, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin θ की जगह पर क्या है, π/4 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, 2 cos 45 का मान कितना होता है, ठीक है, cos 45 1/√2 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो 2, ठीक है। फिर यहाँ पर sec 60 है, ठीक है, sec 60 का मान कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। sin 45 का मान होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 2 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2, यहाँ से आ जाएगा 4 × 2 = 8, 2 से 2 कटा 1 का वर्ग 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा, यहाँ से 1 बचेगा 8, 1 और 1 2 और 8 10 हो जाएगा, यही तो मिलाना था, कितना आ गया 10, है ना। क्वाड्रेंट के बारे में पता ही होगा ना कि पहले में ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपको साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे आपके नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10 cot पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं इसमें, और इसमें आपका कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से सबसे कहाँ रखा है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आपको मान ज्ञात करना है sin 75 tan 15 का, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप देखिए sin 75, सो देखो 75 को इस तरीके से तोड़ो जो तुम्हें एंगल पता हो, क्योंकि 75 का मान तो तुम्हें पता नहीं है, ट्रिविलियो नहीं पता, तो 75 को तुम लिख सकते हो 45 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 + 30, ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे है, फॉर्मूला पता होगा आपको, अभी पीछे मैंने बोला था याद कर लेना, क्योंकि अब सारा खेल फॉर्मूले का है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ए के जगह पर 45 और बी के जगह पर 30, सो देखो यहाँ से आ जाएगा sin 45 cos 30 cos 45 sin 30, sin 45 का मान 1/√2, ठीक है, cos 30 का मान √3/2, ठीक है, cos 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2, सही किया ना, sin 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान, ठीक है। LCM कितना आ गया, 2√2, 1√3 1 1√3 1 1 1, ये आपका आ गया आंसर sin 75 का, ठीक है, sin 75 का मान का आंसर आपने एक झटके में निकाल दिया, ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कई बच्चे मेरे से नोट्स के लिए पूछते हैं, बच्चों नोट्स कहाँ से लाऊं? ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लोगे ना, वो आपका ऑटोमेटिकली नोट्स बन जाएगा। नोट्स खुद के बनाने चाहिए मैथ्स में, है ना? मैथ्स में नोट्स खुद बनाओगे, जो सीख रहे हो अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, तो वही बेहतर नोट्स बनते हैं मैथ्स में। 10-15 का मान निकालना है, ठीक है? छठे में क्या करना है, 10-15 का मान निकालना है। 10-15, अब 15 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 माइनस के 30, ठीक है ना? सो देखो, दिस कैन बी रिटन एज 10-15 इज इक्वल टू 10-45 माइनस के 30, क्योंकि इन एंगल्स के मान मुझे पता है। और ये किस फॉर्मूला में बैठ रहा है? 10a माइनस b के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस के 10b। जब माइनस होता है तो नीचे प्लस लग जाता है, 1 प्लस 10a 10b। ये फार्मूला है, याद कर लेना जो मैंने अभी आपको फार्मूला, मुझे याद है क्योंकि मैं भी पढ़ के आया हूँ, मैं भी 11th में था, तो स्टार्टिंग में मुझे भी अजीब लग रहा था। जब मैंने फार्मूला याद कर ली, मेरे लिए सब आसान हो गया। वैसे ही आपके लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब ए की जगह पर 45 और बी की जगह 30, बस ये रख दो। 10 45 माइनस 10 30, 1 प्लस 10 45 10 30। 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान 1/10√3 होता है, ना? ये मान रख दिया। ऊपर देखो लॉस ऑफ क्या जाएगा, √3 √3 एक कम √3, ये वाला ऐसे ही रहता है। देखो एक कम एक तो वही रहना है, यहाँ से भी लॉस ऑफ क्या जाएगा, √3 √3 एक कम √3 एक कम एक, इसके बट्टे में √3 इसके बट्टे में √3 कटा। ऊपर क्या है, √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। तो ये आपका आंसर नहीं है, यहाँ आप आंसर छोड़ के मत आ जाना। क्यों? क्योंकि कभी भी √ हमें आंसर नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो क्या कर देंगे, परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह देखिए, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा गुणन करते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है? √3 एक तो जो चीज़ थी, बस चिन्ह प्लस का माइनस कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जो चीज़ ऊपर है वो दो बार है, उसे दो बार लिख दो। और आपको पता है a+b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। a+b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर जो भी है ना उसको वैसे ही रहने दो, उसको छेड़ो मत। √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, √3 - 1 का ये बट्टे में दो, यही छोड़ दो आंसर। √ ऊपर रह सकता है, नीचे नहीं, ठीक है? √ को आप ऊपर रखो बट नीचे नहीं रहना चाहिए। √ अगर आप नीचे छोड़ के आ जाओगे तो वो आंसर को सही नहीं माना जाएगा। तो देखो हमने 10-15 का मान भी आराम से निकाल दिया, है ना? अब छठे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है? क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान आसान वाला तरीका ही सिखाऊंगा, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। छठे क्वेश्चन में क्या है, देखो ये चीज़ है, अब देखोगे इस चीज़ को हल करके ये लाना है। ये क्या है, देखो देखो, cos a cos b - sin a sin b, ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है। तो ये फॉर्मूला है, cos के फॉर्म में दे रखा है, आंसर sin में लाना है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से कर पाओगे, वरना आपको हमेशा तकलीफ़ होगी, आपको हमेशा तकलीफ़ होगी, ठीक है? सो लाना किस में है, आपको फार्मूला अगर देखें, क्या कोई फार्मूला ऐसा होता है सर, cos a cos b - sin a sin b, आपको मैं दिखाता हूँ क्या कोई फार्मूला ऐसा है, cos a cos b करके, है ना, - sin a sin b, ऐसा कुछ फार्मूला है? अभी देख के आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पर है cos a cos b - sin a sin b, बट वो आंसर cos में देता है, ठीक है? वो आंसर cos में देता है, लेकिन आपको लाना किस में है, इसको इस प्रश्न में sin में लाना है। तो ऐसा बेटा कोई प्रश्न फॉर्मूला नहीं है जो आपका sin में ला के दे दे आंसर, ठीक है?
सो आपका क्वेश्चन में यही तो मेन मुद्दा है कि भैया कॉस ए कॉस बी माने साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस में, आपको यहाँ आंसर लाना है साइन में, ठीक है, आपको यहाँ आंसर लाना है साइन में। तो क्या करके देख सकते हैं एक बार, चलो करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार मैं अपना आइडिया लगा के देख रहा हूँ क्या सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स, कॉस पाई बाई फोर माइनस के वाई, फिर है साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर है साइन पाई बाई फोर माइनस के वाई, ठीक है। ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर, ये ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पर, ठीक है। आंसर में लाना है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मैंने अभी आपको सूत्र दिखाया था, देखो दिखा दे रहा हूँ मैं आपको सूत्र, टेंशन मत लो। ये देखो कॉस ए कॉस बी, यहाँ एक्स वाई में लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस एक्स प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। चूँकि फॉर्मूला लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है। चलो कॉस ए क्या है, ये पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस बी क्या है पाई बाई फोर माइनस के वाई। मैं हमेशा जो सिंबल वाला होगा ना वही सिखाऊंगा, सूत्र पे जाओ, सूत्र अगर आपको याद है ना फॉर्मूले, अब हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं और भी एक तरीका से कर सकता था, बट वो तरीका थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा और लंबा हो जाएगा ये तो अभी हो जाएगा, देखना टेंशन मत लो। पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, क्योंकि ये भी प्लस का है ना दो बार में, और यहाँ से माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, पाई बाई टू हो गया, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, ये बन गया। अरे बेटा अभी तो एक सूत्र मज़ेदार सूत्र है हमारे पास, पाई बाई टू मतलब नब्बे, थीटा कॉस माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये क्लास टेंथ में पढ़ के आया, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है एक्स प्लस वाई है, आ गया फॉर्मूला, यही तो लाना था आपको साइन एक्स प्लस वाई, आपने फटाक से निकाल दिया झटाक से, है कि नहीं बच्चों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है, एग्जामिनर को किस, मेरे को सब आता है, एग्जामिनर टेंशन में आ जाएगा अरे भाई नंबर कैसे काटूँ। तो ये तो हो गया, अब सातवें क्वेश्चन में आ जाऊँ, ऐसे ही सारे प्रश्न करने हैं, बस जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला को लगाओ, कैलकुलेशन सटीक रखो, आपका आंसर हर बार आएगा। सातवें क्वेश्चन को इसको हल करके इतना लाना है बस, ठीक है। क्या है यहाँ पर हमारे पास, टेन पाई बाई फोर एक्स, और यहाँ पर है टेन पाई बाई फोर, यहाँ बस माइनस का। अब जो लाना है उत्तर उस पर ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्या है सूत्र, टेन ए प्लस बी, और यह टेन ए माइनस बी, सूत्र लगा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, प्लस है तो माइनस लग जाएगा, टेन ए टेन बी मल्टीप्लाई में, ठीक है पूरा ये। अब इसमें लगेगा टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस है तो माइनस टेन बी अपॉन, माइनस वाले पे प्लस लगता है, टेन ए टेन बी, पाई बाई फोर बोलो तो 45, और 10 पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है 1। अब वैल्यू पुट अप करो तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू टेन एक्स, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के टेन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू टेन एक्स, मान रख दिया। अब देखो आपको पता है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, सरल कर लेते हैं, किसी भी संख्या को एक से गुणा करते हैं टेन एक्स बन जाए टेन एक्स ही रहेगा। अब इसको काट मत देना, ये प्लस का ये माइनस का है, विपरीत संख्या आएंगे, कई बच्चे से यहाँ वन है यहाँ टेन है, काटो इसको, ऐसा मत करना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है,
और इसकी गुणा इसके साथ, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x दो बार गुणे में है तो यानी कि टोटल का वर्ग लग जाएगा, 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x दो बार है तो टोटल की घात 2 लग जाएगा, और यही आपको लाना था। ठीक है, इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो अगर प्रॉपर वे में लिखें 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x टोटल की घात कितनी है 2, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको समझने में दुख हो, तकलीफ हो, दुविधा हो, मुसीबत हो, कठिनाई हो, तो बस एक बार दोबारा देखना है, आराम से हो जाएगा, मेरी गारंटी से। 8वें पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉश पाई प्लस एक्स कॉश माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, और फिर क्या है, कॉश पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करके लाना है कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, बस फॉर्मूलों का खेल है और कुछ नहीं है ज़िंदगी, बस और कुछ नहीं, गणित में फॉर्मूलों और हमारी एक कहानी है, है ना, सड़ा हुआ गाना बना दिया मैंने तो। चलिए, कॉस पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको चित्र से भी अनुमान लग जाएगा, यहाँ पाई में कुछ भी जोड़ोगे तीसरे में आ जाएगा, और तीसरे में कॉस की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक है, और आपको पहले से ही पता है कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये पहले से ही जानते हैं। और उसके बाद एक फॉर्मूला यहाँ और लग रहे हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, और साइन पाई माइनस थीटा, पाई से कुछ भी घटाओगे यहाँ आ जाएगा सेकंड में, और सेकंड में साइन का मान प्लस में होता है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। ये चार फॉर्मूले लग रहे हैं, देखने में इतना छोटा क्वेश्चन लेकिन चार फॉर्मूलों का खेल है। देखो, कॉस पाई प्लस माइनस एक्स माइनस के कॉस एक्स, ये इन टू कॉस माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इन टू माइनस के साइन एक्स होते हैं, कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो यहाँ कॉट एक्स आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा दो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, आराम से प्रूफ हो गया, आप खुद ही सोचिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई मुसीबत नहीं होगी, आराम से हो गया होगा, है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर है कॉस 3π/2 प्लस एक्स, फिर यहाँ है कॉस 2π प्लस एक्स, फिर यहाँ है कॉट 3π/2 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर है कॉट 2π प्लस एक्स, और इसको सरल करके क्या लाना है, 1 लाना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज, 3π/2 है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट, तो जहाँ जहाँ 3π/2 है ना, इस वाले को और इस वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, देखो 3π/2 में कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2π में से 4π में, हाँ 2π में से π/2 माइनस कर दूँ, दो दिन 4 में से एक पाई कम करोगे 3π/2 आ जाएगा,
लेकिन मतलब इसको और इसको बदलो, कॉस 3π/2 को मैं लिख सकता हूँ 2π माइनस के π/2 प्लस के एक्स, ठीक है, कॉस 2π प्लस एक्स, ठीक है, कॉस 2π प्लस एक्स। आपको पता है कॉस, आपको एक फार्मूला पता होगा ना, कॉस हो या कोई सा भी यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन हो, अगर 2nπ प्लस का थीटा है तो यहाँ प्लस थीटा लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस का थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा लिखते हैं, है ना। तो प्लस का है तो प्लस में ही आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स, थीटा की जगह पर एक्स है तो एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको भी चेंज करोगे, 3π/2 को लिख देंगे 2π माइनस के π/2 माइनस के एक्स, और कॉट यहाँ से आ जाएगा कॉट एक्स, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब देखो इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको मैं प्रॉपर वे में लिख सकता हूँ 2π, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, प्रॉपर वे में लिख दिया। फिर यहाँ से देखो कॉट 2π माइनस कॉमन ले लोगे तो π/2 प्लस का एक्स आ जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा, कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉट 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉट माइनस थीटा, और माइन कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये सूत्र हैं सब, और कुछ नहीं है ज़िंदगी, और कुछ नहीं, बस सूत्र और हमारे लेखा जोखा की कहानी है मैथमेटिक्स में। कॉस 2π माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा और माइनस होता है प्लस, यानी कि ये वाला आ जाएगा कॉस π/2 माइनस के एक्स, यहाँ क्या है कॉश एक्स, कॉस 2π ये कॉट है, कॉट 2 माइनस पाई थीटा, कॉट माइनस थीटा, और ये होता है माइनस के कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे क्या है π/2 प्लस एक्स, और प्लस में यहाँ क्या है कॉट एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। देखो कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या है कॉश एक्स, ठीक है, कॉट π/2 प्लस एक्स, फार्मूला है ये, यहाँ से कॉट π/2 एक्स क्या होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगाएं, और ये फार्मूला होता है माइनस के टेन एक्स, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी क्या है कॉट एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो गुणा कर दो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, साइन एक्स कॉस एक्स से गुणा करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टेन एक्स, ये कॉट एक्स है, और गुणे में क्या जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, कॉट एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स, और यहाँ पहले से ही है साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है एक, यही तो प्रूफ करना था, वन लाना था आपको, आराम से वन आ गया, है कि नहीं, आराम से वन आ गया। बस अब इस क्वेश्चन को ना एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि फार्मूला ही लग रहा है, और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस क्वेश्चन को एक बार देखो, दो बार देखो, तीसरी बार आप खुद बनाओ, क्योंकि जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। एक बार जब खुद से रिवाइज़ करोगे तो झट से और आसान और बढ़िया सा तरीके से समझ जाओगे। दसवें क्वेश्चन में आते हैं, ये है, इसको हल करके हमें ये लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास दसवां है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास है, साइन एन प्लस वन एक्स, फिर यहाँ पर है साइन एन प्लस टू एक्स, फिर प्लस में है कॉस एन प्लस वन एक्स, और फिर क्या है कॉस एन प्लस टू एक्स, ठीक है, सरल करके कॉस एक्स लाना है। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक एंगल है,
ये कैंगल साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, किस फॉर्म में ये साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है बच्चा कॉस ए माइनस बी का, है ना। तो देखो कॉस लिख दो, ए की जगह पर क्या है, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है। बी की जगह पर क्या है बच्चा हमारे पास, एन प्लस टू एक्स। तो ये एन एक्स प्लस एक्स एन एक्स प्लस के टू एक्स, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स में से टू एक्स घटाओगे तो ठीक है माइनस है ना, एक्स में से टू एक्स घटाओगे तो माइनस के एक्स आएगा और कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स। यही तो लाना था, इतना बड़ा क्वेश्चन दो लाइन में हो गया, कॉस एक्स लाना था, आ गया कॉस एक्स, ठीक है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं कोई कठिनाई नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ये 11वां क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं। देखो इस चैप्टर में ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे टाइम में पता है कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, यहाँ से 16 से लेकर 25 तक, और हमारे टाइम में 23 24 25 से, ये तीन क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अर्धवार्षिक में इन तीनों में से एक तो आता ही था, हर बार गारंटी है कि इनमें से भाई एक आना ही आना है, तो इनको भी आप अच्छे से करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस 3 पाई बाई, ठीक है इसको हल करके हमें ये लाना है, ओके। तो इस वीडियो को ना दो पार्ट बनाते हैं, ये इस वीडियो को ये जो 11वां क्वेश्चन है यहीं तक करते हैं, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए इन चीज़ों को, 11 क्वेश्चन को एक बार दोबारा कीजिए, ठीक है और जब समझ जाओगे तो इसका पार्ट टू लेके आएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में पार्ट वन रखते हैं। ये जी जाए ओके 3π/4, ठीक है 3π/4 है। सो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ हल करके ये लाना है, कॉस ए माइनस कॉस बी है। आप सोचोगे तो वो फार्मूला नहीं लग पाएगा जो आप सोचना चाह रहे हो, तो मैं क्या करूँगा 3π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस π/4, ठीक है। सो देखो मैं इसको तोड़ के लिख दूँगा 3π/4 को π/2 प्लस π/4, यहाँ प्लस का एक्स है वो मैंने वैसे का वैसे रखा, फिर इसको π/2 प्लस π/4, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई। और आपको पता है इसे पूरा मान लो थीटा के फॉर्म में, और आपको पता है कॉस π/2 प्लस थीटा, ठीक है कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा की जगह पर क्या π/4 प्लस एक्स, ये भी माइनस का होगा, ये माइनस माइनस इसे क्या कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन यहाँ से जगह π/4 माइनस के एक्स। दो सूत्र लगने हैं यहाँ पर, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है सब कुछ वही रहता है। देखो अगर साइन ए माइनस बी की बात करें ना तो वही रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर आप यहाँ प्लस कर दोगे तो बस प्लस लग जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस प्लस लग जाता है। तो लगाते हैं सूत्र में, सबसे पहले ये वाला है ना, तो देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, गलत कर रहा हूँ क्या, साइन ए कॉस बी कॉस था ना, या साइन लिख दिया मैंने कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर
इसको खोलेंगे, साइन ए, साइन ए, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए, चिन्हों का खेल दें सब, कट पिट के क्या बच रहा है वो खुद देखिए। कॉस पाई बाई फोर साइन एक्स, कॉस देखो ये नेगेटिव, ठीक है, और साइन पाई बाई फोर कॉस एक्स ये प्लस का है, और साइन पाई बाई फोर कॉस एक्स ये इधर से माइनस का, इससे ये कटना, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाएगी, ये भी नेगेटिव का आएगा, ये भी नेगेटिव का है, दो बार आ जाएंगे टू, ठीक है, कॉस पाई बाई फोर साइन एक्स आ जाएगा। कॉस पाई बाई फोर का मान कितना होता है, एक बटन रूल दो, पाई बाई फोर का मतलब 45, और साइन एक्स यहाँ है, ठीक है, तो ये आ गया। देखो दो को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट दो गुणा अंडर रूट दो, और बट्टे में ऑलरेडी अंडर रूट दो है, साइन एक्स अंडर रूट दो से अंडर रूट दो कटा, माइनस के अंडर रूट दो साइन एक्स, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो इस वीडियो को पार्ट वन में इतना ही रखते हैं, आप आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्लियर। इसका पार्ट टू में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं ना, 12 से लेकर 25 तक एक ही बार में कर लेंगे फटाक से। अगर सब अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हर जगह शेयर करें।